स्वागत है आप सभी का सुहाना सफर में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस तो सबने देखी होगी, मगर क्या आपको पता है कि ये शहर जितना खूबसूरत इस फिल्म में दिखाया गया है, चेन्नई वाकई में उससे कई ज्यादा खूबसूरत जगह है। इसलिए अगर आप कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन तलाश रहे हो तो चेन्नई जरूर होकर आइए। चेन्नई अपने रिजॉर्ट्स के लिए काफी फेमस है। यहाँ हर साल भारी तादाद में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये शहर हर तरह से तमिलनाडु की शान बढ़ाता है। अब चाहे वो चेन्नई के ऐतिहासिक स्थल हो या लंबी रेतीले समुद्र तट, राजधानी चेन्नई सबको लुभाती है। अगर आप चेन्नई जा रहे हैं तो यहाँ की मरीना बीच जरूर जाएं। 15 किलोमीटर लंबे और 400 से 500 मीटर चौड़े मरीना बीच में प्रकाश घर, स्मारक, पैदल रास्ते, बगीचे एवं तटाभिमुख भूमि के किनारे सैर की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। यही नहीं, मरीना बीच की एक खास बात भी है, ये बीच विश्व के सबसे लंबे तट में से एक है। इसके बाद सरकारी म्यूजियम जाना ना भूलें। एगमोर में सरकारी म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सरकारी संग्रहालय, कोनीमारा सार्वजनिक लाइब्रेरी और नेशनल आर्ट गैलरी भी मौजूद है। इसे वर्ष 1851 में बनवाया गया था। चेन्नई में सेंट जॉर्ज का किला भी है। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के पहले ब्रिटिश किले का नाम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1639 में हुई थी। यहाँ आकर आप अच्छे से शॉपिंग भी कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेन्नई में खरीदारी के लिए कुछ अनोखे स्थान हैं। समकालीन और पारंपरिक कलाकृति, प्राचीन वस्तुएं, गहने आदि शहर में उपलब्ध है।